कि बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो खरीदारी हमने कैश स्पेस में तो एटलीस्ट देखी है, फिर चाहे विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो या घरेलू संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से निकली और 165 करोड़ की खरीद कैश स्पेस में FIIs ने भी रजिस्टर की है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उन सबके दम पर आज मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, गणेशोत्सव का की आज से शुरुआत हो रही है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। सर सर बताइए बाजार में आज कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स पे रखे नजर? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। और बढ़िया बात यह कि गणेशोत्सव की शुरुआत करने के लिए आपको संकेत थोड़ी कमजोर के हैं तो आपको निचले स्तर पर खरीदारी करने का मौका ये बाजार देगा। और आज अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, जितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो, जितनी ज्यादा हो उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपको खरीदना चाहिए। लोअर लेवल से खरीदारी के मौके बनेंगे, बायोमिक्स स्ट्रेटेजी के साथ आपको बाजार में बने रहना है। क्योंकि भारतीय बाजारों का मोमेंटम स्ट्रांग है, थोड़े ग्लोबल संकेत कमजोर है, कच्चा तेल थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, लेकिन क्लोज के लिहाज से और हमारे इंटरनल के लिहाज से देखें तो खरीदारी का मौका एक गैप डाउन ऑप्शन पर जरूर बनता है। एक जो पहला सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो निकल कर आ रहा है 20,050 से लेकर 20,125 की रेंज में, ये वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 20,225 का जो हाई बनाया है हमने शुक्रवार के सेशन में, वो जैसे हम पार करेंगे उसके बाद निफ्टी ग्रुप का जो है उससे देखते हैं आगे कहाँ तक और बढ़ता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,846 बहुत ही मजबूत सपोर्ट जो है, अगर इस रेंज में आज आपको बैंक निफ्टी मिले तो निश्चित तौर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 46,375 जुलाई साई के आसपास के लेवल है, वहां से लेकर 46,500 के आसपास की हल्की फुल्की बाधा है, उसको पार करेंगे तो और मजबूती बनती हुई दिखेगी। तो मेरा ये मानना है कि कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में आपके लिए होंगे खरीदारी के बेहतरीन मौके।